एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है, वहां उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है, या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें, जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं, तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं, तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है, वो सदैव जीवित है। मैं आत्मा मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। भ्रूण जब तीसरे से पांचवें माह का होता है, तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, और आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है, जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें, तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। अब प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है, तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें।
अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिएं और सबके प्रति सकारात्मक वृत्ति रखें, जिससे हमारा जीवन और हमारा समाज शांति, पवित्रता, खुशी और प्यार के प्रकाश से जगमगा उठे।